सर आज मैं थोड़ी पीड़ा के साथ कुछ काम के लिए आया हूं। 5 वर्ष से मैं लगातार गवाह हूं कि जवाहरलाल जी तमाम चीजों के लिए गुनहगार हैं। ए बी सी गनीमत है कि जल संकट के लिए या बिहार में चमकी बुखार की मौत में जवाहरलाल जी का नाम नहीं आ रहा। सर जवाहरलाल जी अब खुद नहीं आएंगे अपनी वकालत करने। मैं सिर्फ इतनी दरखास्त करता हूं सदन के माध्यम से कि शांति वन में जो अस्थि के अवशेष पड़े हो उनको लाइए, मुकदमा करिए, ताकि जवाहरलाल जी की ओर से लोग जिरह करना चाहते हैं वो करेंगे, जो उनके खिलाफ जिरह करना चाहते हैं वो करें। जवाहरलाल जी कांग्रेस के नहीं थे। बड़ी बड़ा मुगलता है सर आप लोगों को। 2014 में आपने कांग्रेस और विपक्ष को हराया, 19 में आपने कांग्रेस और विपक्ष को हराया। इस अफसाने में मात पंडित जवाहरलाल नेहरू कहां से आ जाते हैं? बात बात पे नेहरू जी। इसलिए मैं कहूंगा माननीय गृह मंत्री जी यहां हैं, परिस्थिति जन्य उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, परिस्थिति जन्य, लेकिन परिस्थितियों का जन्म कैसे हुआ? मैं हमेशा मानता हूं कि कश्मीर एक कॉम्प्लिकेटेड एंटिटी था, लेकिन कमाल की चीज है, इतिहास की एक धारा है सर, इतिहास लेखन की एक प्रवृत्ति है, एक आर्ट है जिसको हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। उसमें बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट, एक स्कूल ऑफ थॉट है काउंटर फैक्चुअल, जिसमें लोग कल्पना करते हैं कि अगर सीजर रूबिकॉन ना क्रॉस किया होता तो क्या होता। उसमें लोग कल्पना करते हैं कि नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स जर्मनी में ना हुआ होता तो क्या होता। उसमें लोग ये कल्पना करते हैं कि अगर इब्राहिम गार्दी की जो सेनापति था मराठाओं का, अगर उसकी तोपें ना काम कर रही होती तो क्या होता। सर ये हिस्टोरियन को अच्छा लगता है, लेकिन पॉलिटिशियन अगर ये काम ले लें कि कल्पना करने लगे, कमाल की बात हो रही है सर। बहुत दुख के साथ कहता हूं, मैं कागज नहीं देखना तो मुझे कुछ कुछ चीजें आज सुबह से मैं सोच रहा था। जवाहरलाल जी फिर से दोहरा हूं, कांग्रेस के नहीं है, चाहे जवाहरलाल जी हो, बापू हो, आजाद हो, सुभाष बाबू हो, अंबेडकर हो, जितने लोग हैं वो उस मुल्क की थाती हैं, वो विरासत है, अब हमको हराओ। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर के टिप्पणियां ऐसी, तकसीम के लिए जिम्मेवार आपके ठीक पीछे माननीय गृह मंत्री जी एमजे अकबर साहब थे, नेहरू एंड द मेकिंग ऑफ इंडिया, उनसे पूछिए कि पार्टीशन के समय, तकसीम के समय हालात क्या थे, कौन पहले अग्री कर रहा था, कौन बाद में अग्री कर रहा था। लेकिन हां, जवाहरलाल जी इज ऑल सीजन फॉल गाय, और ये मैं मानता हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने तय कर दिया है कि जवाहरलाल जी पे गूगल करो तो कोई अच्छी चीज मिलेगी ही नहीं, ये है। तो वो मैं कहता हूं कि वही झगड़ा है फुरकत का, वही किस्सा है उल्फत का, तुझे दाग कोई और भी अफसाना आता है। सर अभी 3 मिनट हुआ है, नहीं अभी सर बजाएंगे भी नहीं, मैंने 1 मिनट में ले लिया। सर अक्सर इन दिनों चर्चा हुई कश्मीर को लेकर के, हम सबको संजीदगी से सोचना होगा। मैंने इसी सदन में माननीय गृह मंत्री तभी राजनाथ सिंह जी, मैंने कहा सर ये तय करिए वेदर यू वॉन्ट टेरिटरी ओनली और पीपल। इफ यू वॉन्ट पीपल इन द टेरिटरी, योर पॉलिसी शिफ्ट हैज टू टेक प्लेस, योर पैराडाइम शिफ्ट हैज टू टेक प्लेस। वॉट वी आर डूइंग इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, दैट एंटायर फोकस इज ऑन टेरिटरी। कश्मीर की जगह लेकर के सिर्फ क्या करेंगे अगर जिंदा इंसान हमारे पास ना हो, जिंदा कौमें ना हो। मैं समझ रहा हूं कि सर एक थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, चूंकि विषय भी ऐसा है। प्यारेलाल जी ने किताब लिखी लास्ट फेज ऑफ महात्मा। मैं तमाम अपने भाजपा के साथियों से आग्रह, चुनाव हो चुके हैं, चुनाव खत्म, 5 साल आप हैं। उन्होंने लिखा कि 16 जनवरी 1948 को सरदार पटेल जा रहे थे काठियावाड़। सर उस तमाम दलों में, आज भी हम दलों में जो नेता लोग हैं आपस में मतभेद होता है सर, वैचारिक मतभेद होता है। कल को अगर इसी तरह की टिप्पणी, और सब मानते थे कि पटेल बहुत अच्छे संगठन करता है, जैसे माननीय गृह मंत्री जी के बारे में चर्चा, और नेहरू लोकप्रिय थे जैसे माननीय प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा है। अब अगर 20 वर्ष बाद कोई ये कहे कि अरे एक दूसरे को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, ये ना हुआ होता वो हुआ होता, तो कैसा लगेगा सर? ये मत करिए, मैं ये आग्रह
आप सबसे कर रहा हूं। दो मिनट आपके पास है, कश्मीर पर बोल लीजिए, दो मिनट कहिए, आप घंटी आखिरी में बजा दीजिए, दो मिनट कश्मीर सर। तो प्यारेलाल जी की किताब में जब 16 जनवरी को काठियावाड़ जा रहे थे तो सरदार लिखते, सरदार पटेल लिखते हैं, मैं बहुत पीड़ा में हूं, काम का बोझ बहुत है, बापू को लिखते हैं, लेकिन जवाहर का ध्यान रखिए, वो मुझसे ज्यादा बोझ में रहता, वो ज्यादा परे, हम कौन से लोग हैं टिप्पणी कर रहे हैं, बापू, पटेल, जवाहर, अरे हम सब बौने कद के लोग हैं, सब लोग, हम जिनके बारे में टिप्पणियां कर रही हूं उनका कद बौना नहीं था, क्योंकि वो पद से नहीं थे, कद से थे, ये जानना होगा सर। सर एक मिनट, बस एक मिनट, एक मिनट से ज्यादा लूंगा ही नहीं सर, मैं आप सब स्किप कर रहा हूं, सब स्किप करते हुए सर, सर नवंबर 48 में, यानी कि 10 महीने बापू की मौत के बाद सरदार पटेल लिखते हैं और वो कहते हैं कि बापू ने जवाहर को चुना, आज मुझे लगता है कि बापू का चयन सही था। एक महाराष्ट्र में मीटिंग में दोनों जाते हैं, 30 लाख लोग थे सर, सर 30, सर एक आखिरी करने दीजिए सर, बस कंक्लूड कर लेना, मुझे आगे बढ़ना, 30 लाख लोग थे, सब ने कहा, तुरंत पटेल ने कहा, सरदार पटेल ने, कि लोग मुझे नहीं जवाहर को, और आखिरी टिप्पणी बस करके खत्म कर रहा हूं, अंतिम लाइन कश्मीर पर बोल दीजिए, अंतिम लाइन कश्मीर पे, ऑन 10th July 1950 अब्दुल्ला रोड टू शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रोड टू नेहरू जी, I can willingly go down and sacrifice myself for you. I have several times stated that we acceded to India because we saw their two bright stars of hope and aspiration. One, you, that is Nehruji, Dhanyabad. And one is Gandhi. Dhanyabad. Sir, let's not forget history. Let's not recreate and rewrite history. Swapnadas Gupta ji.